जमुई में 72 घंटे से गायब ई रिक्शा चालक बिहारी मोहल्ला निवासी स्वर्गीय विनोद सिंह के पुत्र अमन कुमार का शव टाउन थाना क्षेत्र के खैरमा स्थित क्यूल नदी के किनारे झाड़ी से क्षत विक्षत स्थिति में बरामद किया गया है। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। सूचना के बाद घटनास्थल पर SDPO सतीश सुमन, टाउन थानाध्यक्ष अरुण कुमार व मलयपुर थानाध्यक्ष दलवल के साथ पहुंचे। शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि सोमवार की शाम शोषण द्वारा मलयपुर थाने में आवेदन देकर युवक के गायब होने का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद हरकत में आई पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई थी। युवक की तलाश कर रही थी। इस दौरान खैरमा स्थित क्विल नदी के किनारे युवक का शव क्षत विक्षत स्थिति में बरामद किया गया है। मामले में परिजन ने युवक की हत्या करने की आशंका जताई है, लेकिन हत्या किसने की है इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस घटना के हर बिंदुओं पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नीति सिंह के साथ जमुई से अंजुम आलम की रिपोर्ट। ये जिसकी डेड बॉडी बरामद हुई, ये मेरे छोटे भाई थे। क्या? छोटा भाई था। अच्छा, क्या करते हैं वो? ये टोटो चालक हैं, टोटो चलाते हैं। और हम लोग 3 दिन से इनको ढूंढ रहे, 4 दिन से, 3 तारीख से, दिन शनिवार से ही ढूंढ रहे थे। तीन तारीख को ये घर से निकले थे लमसम 1 बजे के लमसम, उसके बाद घर नहीं पहुँचे थे। तो हम लोगों ने शाम में खोजा तो पता चला कि हम लोगों को लगा कि कहीं रिजर्व में चला गया हो। हम लोगों ने रोड में पूछपाछ किया हो तो बोला हाँ पुल के पास था, वो तब तक कहीं रिजर्व गया हो। तो बोले ठीक है। फिर शाम हुआ तो हम लोगों ने शाम तक वेट किया तो फिर कहीं से कुछ पता नहीं चला। हमको लगा कि इनका गाड़ी ख़राब हो गया हो या तो कहीं कोई मुसीबत में पड़ गया हो। तो अब तो हम लोग फ़ोन का वेट किए कि ये हो सकता है फ़ोन करे कि हाँ कहाँ है नहीं है, क्योंकि इसको मेरा नंबर याद था। तो हम फ़ोन के इंतज़ार में रह गए। जब रात में ये नहीं पहुँचा तो हम लोगों ने सुबह फिर खोजना स्टार्ट किए, पूछना स्टार्ट किए कि इन अपने सगे संबंधी में सब जगह से संतुष्ट हो गए खोज के। जब नहीं मिले तो हम लोगों को जमुई थाना में जाना उचित सोचा कि हम लोगों को अब जमुई थाना जाना चाहिए, उनसे कुछ मदद मिल जाए। तो जब जमुई थाना हम लोग गए तो उन्होंने बताया कि कहाँ से ये नहीं आया है। तो हम लोगों ने बताया, हम लोगों को जानकारी हुई थी कि लास्ट टाइम इनका गाड़ी क्यूल नदी पुल के पास से गायब हुआ है, या तो वहाँ से ये इधर उधर गया। तो बोला वो मलयपुर थाना आप जाइए। जब मलयपुर थाना आए तब वहाँ से पता चला कि इनका टोटो जब्त है मलयपुर थाना द्वारा और ये लापता है। लापता है जी। क्या लग रहा है आपको, कहीं दावत किसी पर सवाल कैसे, किसके द्वारा धमकी दिया गया था कि? सर नाम तो अभी पता नहीं है, पूरा खुलासा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी है इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या हुआ था धमकी? धमकी यही आज से करीबन 15 दिन पहले कुछ लड़का लोग आया था घर पे, जिनका एक्सीडेंट, उनकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था इससे। तो वही गलती से हुआ था क्योंकि ड्राइवर है। तो जब एक्सीडेंट हुआ था तो उनका अंगूठा टूट गया था या तो फ्रैक्चर हो गया था। तो हम लोगों ने उसमें मैनेज करके गार्जियन कहाँ का हुआ सतगामा के हैं। तो हम लोगों ने 10 से 15 हज़ार रुपये का हेल्प किए थे उनको। चलिए मुआवजा दिया था जी, मुआवजा हम लोग 15 हज़ार रुपये दिए थे। अच्छा, ये बताइए कि कैसे मारा गया इनको? हमको सर बॉडी देखने के बाद हमको लग रहा कि काट दिया हो। क्या नाम था इनका? अमन कुमार। पकड़ के लाया गया। कितना होगा? 20 साल। पिता क्या? पिता का नाम स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह। घर? बिहारी। ठीक है। आई कर रहा हम लोगों को खैरमा इलाके में, जो जमुई आदर्श थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। इनका नाम अमन कुमार, उम्र करीब 20 वर्ष बताया जाता है। और हम लोगों ने अभी लाश को पंचनामा करते हुए अंत्य परीक्षण के लिए सदर अस्पताल जमुई भेजने की कार्रवाई चल रही है। हम लोग मामले के पूरे अनुसंधान में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, साथ ही साथ हम लोग पोस्टमार्टम वगैरह की कार्रवाई करवा रहे हैं। बहुत बेरहमी से हत्या की गई है। हत्या जो प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि हत्या जो हुई है वो थोड़ा सा विपत्त तरीके से दूर है। हम लोग पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद हत्या के जो सही कारण है वो पता चल जाएंगे। पुलिस की अनुसंधान की कार्रवाई चालू कर दी गई है। पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और साथ ही साथ हम लोगों ने जो अपना वैज्ञानिक डेटा कलेक्शन है घटनास्थल का, वो सब भी हम लोग कर रहे हैं। जल्द ही आप लोगों के समक्ष
इस मामले में आगे की जो जानकारी है वो साझा की जाए। तीन दिन पहले लापता हुआ था ये लड़का और देखिए इस संबंध में कल शाम को 4:30 बजे परिजनों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस की अनुसंधान की कार्रवाई तब से शुरू कर दी गई थी और जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी वो किसी को नामजद करके नहीं दर्ज कराई गई थी। पुलिस जो द्वारा जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है अपहरण के मामले में लापता गुमशुदगी के मामले में वो उस आधार पर अनुसंधान की कार्रवाई कल शुरू कर दी गई थी। कॉज ऑफ इंसिडेंट अभी तक तो जो परिजन से बातचीत है और साथ ही साथ जो घटनास्थल का निरीक्षण है उस आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अनुसंधान की चीज़ें हैं, फिलहाल कुछ बारीकियां साझा करना उचित नहीं होगा। ओके थैंक यू।